ओके जी, मूविंग ऑन. हम अब फाइंड को इस्तेमाल कर रहे थे. फाइंड मेथड हमारे लिए, अगेन टू समराइज, फाइंड मेथड क्या करता है कि हम एक सोर्स स्ट्रिंग बताते हैं और एक टारगेट स्ट्रिंग फाइंड मेथड के अंदर लिख देते हैं, और फाइंड मेथड वो टारगेट स्ट्रिंग उस सोर्स स्ट्रिंग के अंदर तलाश करके हमें बता देता है. अगर वो मिल जाए तो उसकी लोकेशन बता देता है, और अगर ना मिले तो -1 जवाब के तौर पे हमें बता देता है. अब हम इस फाइंड मेथड को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. मेरे ख्याल में जो पीछे एग्जांपल्स हम देख रहे थे उसमें कुछ सवाल शायद इस किस्म का आपके जहन में आ भी रहा होगा कि अगर एक स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज़ मल्टीपल टाइम्स अकर करे तो फिर हम ये कैसे तय करेंगे कि हम कौन सी अकरेंस तलाश करना चाहते हैं. मिसाल के तौर पे हम इसको भी मिसाल से पहले समझते हैं, वे थ्योरी से हमें चीज़ बहुत आसानी से समझ नहीं आती. फ़र्ज़ करें हम एक अपनी प्रोग्रामिंग की क्लास का एक मोटो बनाते हैं. हमने एक वेरिएबल का नाम रखा है मोटो, और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर की है. वी कैन डू प्रोग्रामिंग कॉमा यस आई कैन कॉमा यस यू कैन, राइट. So just take it as an example that we have a string named motto, and that string has the value we can do programming yes I can yes you can. अब इस केस में अगर आप देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल आपको बहुत प्रोमिनेंट ये नज़र आएगी कि जो लफ्स कैन है, एक, दो और तीन बार इसके अंदर आया. इसी तरीके से ये लफ्स यस, एक, दो बार इसके अंदर आया. इसी तरीके से कॉमा का इस्तेमाल भी हमने इस स्ट्रिंग में दो बार किया, राइट. सो हमने ये स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी मोटो के नाम से, और इसके अंदर वैल्यू क्या है, वी कैन डू प्रोग्रामिंग यस आई कैन यस यू कैन. ओके, सो अब फर्ज करें हम लिखते हैं मोटो डॉट फाइंड कैन, तो जरा सोच के बताइए इसका जवाब क्या होगा. जी हाँ, इसका जवाब है 3. 3 कैसे? जब हम ये तलाश करने को कहते हैं फाइंड मेथड को, और उसको बताते हैं कि ये कैन आपने तलाश करना है इस स्ट्रिंग मोटो में. सो वो इस स्ट्रिंग के शुरू से इसको तलाश करना शुरू करता है. 0th करेक्टर पे नहीं मिला, 1st पे नहीं मिला, 2nd पे नहीं मिला, 3rd करेक्टर पे जाके सी मिला. उसने देखा आगे ए भी है, एन भी है, तो उसको कैन यहाँ पे मिल गया. उसने हमें बताया लोकेशन नंबर 3 पे आपकी मतलूबा स्ट्रिंग जो आप तलाश कर रहे हैं वो मौजूद है. अब हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि कैन इससे आगे भी मौजूद है और दो बार मौजूद है, राइट. सो अगर हम इससे आगे वाले किसी कैन को तलाश करना चाहते हैं तो वो कैन हम किस तरीके से तलाश कर सकेंगे. तो उसका तरीका हमारे पास ये है कि हम फाइंड मेथड में एक तो ये बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ हमें तलाश करनी है, कौन सी स्ट्रिंग हमें तलाश करनी है, कौन सा वर्ड, कौन सी स्ट्रिंग. हम ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग, राइट. इसका मतलब बेसिकली स्ट्रिंग का मतलब तो ये है कि हमने कुछ कैरेक्टर्स का मजमूआ है जो हमने बनाया हुआ है. सब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग ही होती है, लेकिन जब हम किसी एक स्ट्रिंग को किसी नॉमन क्लेचर में ज़रा बड़ा समझें या ऐसी स्ट्रिंग समझें जिसमें कोई चीज़ तलाश करनी है और कोई दूसरी स्ट्रिंग जो है उसको हमें तलाश करना है, तो हम उसको सब स्ट्रिंग कह देते हैं. सब आम तौर पे किसी चीज़ को ज़रा छोटा बनाने के लिए हम या उसको छोटे मानी पहनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. बट एनीवे, स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग बोथ आर स्ट्रिंग्स. ओके, सो हमने कैन तलाश करना है. हम यहाँ पे एक कॉमा ऐड कर रहे हैं, यानी हम फाइंड मेथड को पहले तो सिर्फ उसके अंदर वो स्ट्रिंग दे रहे थे जो स्ट्रिंग हमें तलाश करनी थी. अब हम कॉमा डाल के एक नंबर भी साथ बता देते हैं. नंबर में मैंने फिलहाल लिखा है 0. 0 का मतलब ये है कि फाइंड मेथड कैन को तलाश करे इस स्ट्रिंग मोटो के अंदर, और ये तलाश करना जो है वो कैरेक्टर नंबर 0 से शुरू करे. यानी मैं ये स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि मैं किस कैरेक्टर से ये काम करना शुरू करना चाहता हूँ. सो 0 से शुरू किया. अब यहाँ पे हमने 0 नहीं बताया था तो भी इसने इसको 3 पे तलाश किया था. अब भी अगर 0 से शुरू कर रहे हैं, अब हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया 0 से शुरू करें, तब भी उसको 3 पे मिल गया. उसने बता दिया कि ये स्ट्रिंग जो आप तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोकेशन 3 पे पड़ी हुई है. अगर हम 3 लिखें तो भी वो 3 ही बताएगा क्योंकि लोकेशन 3 पे उसको ये मिल जाती है स्ट्रिंग. फर्ज करें मैं 3 नहीं
4 लिखता हूँ। अब इस केस में क्या होगा, 0, 1, 2, 3 यहाँ तक की लोकेशंस तो वो छोड़ देगा, इससे आगे तलाश करना शुरू करेगा। अब इससे आगे उसको CAN आगे मूव करते करते यहाँ तक नहीं मिल रहा, उसको अगला CAN अगर हम लोकेशन 4 से शुरू करें तो वो यहाँ जाके मिलेगा। सो इंट्यूटिवली अब उसको ये वाला कैन तलाश करना चाहिए, ना कि पहला। एंड एज यू कैन सी इट हैज सर्च फॉर द लोकेशन 29 इन दिस केस। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, and 29. So this can is occurring at location 29. So हम start location के जरिए इस चीज़ को control कर सकते हैं कि हमें string के कौन से हिस्से से अपनी तलाश का आगाज करना है, ये चीज़ हम बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं, अब ये हमें 29 पे मिला है, राइट? सो इफ आई राइट 29 हियर, यानी 4 से लेके ऑन तक मैं 29 कुछ भी लिख दूँ उसको ये लोकेशन 29 पे मिलता रहेगा। फर्स्ट करें मैं इसे 30 कर देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि अब वो सर्च यहाँ से शुरू करेगा। सो यहाँ से ऑनवर्ड्स अगला कैन उसको फिर यहाँ जाके मिलेगा, राइट? एंड इट शुड रिटर्न अस 42। ये जो आखिरी कैन है, अगर आप यहाँ से करेक्टर्स को काउंट करेंगे तो ये लोकेशन 42 पे आता है, राइट? सो इन द नटशेल, फाइंड मेथड को पहले तो हम बहुत प्लेन अंदाज में इस्तेमाल कर रहे थे कि शुरू में उस स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं जिसमें हमें तलाश करना है, फिर डॉट और फाइंड लिखें और उसके आगे पैरेंथेसिस के अंदर वो स्ट्रिंग बता दें जो आपने मेन स्ट्रिंग में तलाश करनी है, तो वो या तो उसकी लोकेशन बता देगा या आपको -1 रिटर्न कर देगा अगर वो स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। दूसरा केस जो अभी हमने देखा है कि आप फाइंड मेथड को एक की बजाय दो बातें बता सकते हैं, एक तो वो स्ट्रिंग जो आपने तलाश करनी है और दूसरा पैरामीटर आप उसको ये दे सकते हैं कि वो लोकेशन भी बता दें जिस लोकेशन से ऑनवर्ड्स आप उसको तलाश करना चाहते हैं सोर्स स्ट्रिंग के अंदर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे, हमें 42 पे मिला है, अगर मैं 43 लिख दूँ, 43 का मतलब है कि आप कैन तलाश कर रहे हैं यहाँ से ऑनवर्ड्स, तो यहाँ से ऑनवर्ड्स तो स्ट्रिंग में कैन पूरा मौजूद नहीं है, लिहाजा अब इसे क्या रिटर्न करना चाहिए? यस, यू गॉट इट राइट, इट शुड रिटर्न -1। सो दैट इज़ द होल स्टोरी ऑफ द फाइंड मैथड। तो हमने देखा कि फाइंड मैथड को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सोर्स स्ट्रिंग के अंदर किसी टारगेट स्ट्रिंग को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और फिर हमने थोड़ा सा मजीद एनरिचमेंट इस तरीके से भी अचीव की कि अगर हम किसी स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग की मल्टीपल अकरेंसेज एग्जिस्ट करती हैं, तो अगर हम किसी स्पेसिफिक अकरेंस को तलाश करना चाहते हैं या हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन से अपनी सर्च का आगाज करना चाहते हैं, तो हम फाइंड मेथड को दो बातें बता सकते हैं, एक वो स्ट्रिंग जो हमें तलाश करनी है और दूसरा स्टार्ट लोकेशन जहां से हम सोर्स स्ट्रिंग के अंदर तलाश करना शुरू करना चाहते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। ओके, अब हम अपनी स्ट्रिंग्स की डिस्कशन को यहाँ पे फिलहाल कंक्लूड करने जा रहे हैं इस क्विज के साथ। ये क्विज हमें टेस्ट करेगा कि हमारी अब तक की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। इस क्विज में हम स्ट्रिंग के अंदर जो इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और उसके साथ साथ फाइंड मेथड है, इनको तमाम को मर्ज करके इसका इम्तिहान यहाँ पे ले रहे होंगे। ये क्विज अब तक के जितने भी क्विजेस हमने देखे उनमें से रिलेटिवली सबसे मुश्किल है। हो सकता है कि आप यहाँ पॉज करके अगर इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो आप बहुत अच्छे से इस क्विज के जवाब तलाश ना कर सके, बट दैट विल बी ऑल राइट, बट स्टिल आई वुड से स्टॉप हियर, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व और सॉर्ट आउट दिस क्विज योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन प्ले द वीडियो अगेन एंड कोरिलेट दैट हाउ डिड यू डू विद इट। ओके, तो इस क्विज में हमसे ये कहा गया है कि फर्ज करें कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है एस, जो कि सोर्स स्ट्रिंग है जिसमें हमें कुछ तलाश करना है, और फर्ज करें कि एक स्ट्रिंग है टी, जो फर्ज करें कि हमारी टारगेट स्ट्रिंग है जिसको हमें तलाश करना है, और फर्ज करें कि एक नंबर है हमारे पास आई, जो कि बेसिकली इंडेक्स के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे कि हम फाइंड मेथड के अंदर ये नंबर बता देकर ये बताएं बता रहे होंगे कि यहाँ से सर्च का आगाज करना है, और फर्ज करें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एस डॉट फाइंड टी आई, कि आप एक स्ट्रिंग एस के अंदर तलाश कीजिए किसी स्ट्रिंग टी को और अपनी सर्च का आगाज आपने लोकेशन आई से करना है, राइट? ओके, इसकी मैं पहले आपको मिसाल दे देता हूँ। फर्ज करें कि हम एक सोर्स स्ट्रिंग लेते हैं और उसका नाम एस रखते हैं और उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं हम
स्मार्ट सिटी। एक स्ट्रिंग हम टी लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं फर्ज करें सिटी। अब हमें नेकेड आई से नज़र आ रहा है कि ये जो स्ट्रिंग टी है सिटी, ये सोर्स स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है, सी आई टी वाई यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब हमने एक नंबर भी लेना है। फ़र्ज़ करें हम एक नंबर लेते हैं और इसको रख लेते हैं 5। मैंने 5 जानबूझ के रखा है क्योंकि लोकेशन 0, 1, 2, 3, 4, 5 के ऊपर हमें सिटी मिल जाता है यहाँ पे। सो हमने जस्ट एग्जांपल के तौर पे एक सोर्स स्ट्रिंग ले ली, एक टारगेट स्ट्रिंग ले ली और एक नंबर आई ले लिया जो कि हमने 5 रख लिया। अब हमें ये बताना है विच ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट टू दिस, कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आप देख लीजिए और फिर वन बाय वन इन एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके देखिए कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है। तो पहले हम इसकी ए की बात करते हैं। ए में हम क्या कह रहे हैं, एस ऑफ आई, व्हाट वी आर सेइंग इज दिस, कि आप एस स्ट्रिंग लीजिए, आई से लेके आखिर तक उसका हिस्सा अलग कर लीजिए। अब आई में क्या है, 5, तो 5 से लेके एंड लोकेशन नहीं स्पेसिफाई की तो आखिर तक, 5 से लेके आखिर तक अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, सिटी। तो ये एक्सप्रेशन हमें क्या देगा, सिटी, राइट। तो सिटी में डॉट फाइंड, तो सिटी में हमें कुछ तलाश करना है, क्या, टारगेट स्ट्रिंग सिटी। तो इसका मतलब, सादा सा मतलब क्या हुआ कि सिटी के अंदर सिटी को तलाश कीजिए, राइट। तो आपका क्या ख्याल है कि हमें सिटी के अंदर सिटी मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, सिटी के अंदर सिटी मिल जाएगा, दोनों एक एवरेंट स्ट्रिंग है। और लोकेशन क्या होगी, सिटी के अंदर सिटी किस लोकेशन पे मिलेगा, जाहिर है हमें लोकेशन 0 पे ही मिलेगा। अच्छा, अब हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या था जिसे हमें, द ओरिजिनल एक्सप्रेशन वॉज दिस, एस डॉट फाइन टी आई, कि आप सोर्स स्ट्रिंग में टारगेट स्ट्रिंग तलाश कीजिए और लोकेशन उसकी रखिए आई। तो अब टी क्या है, सिटी, एस क्या है, स्मार्ट सिटी, ठीक है। तो हमें स्मार्ट सिटी में सिटी तलाश करना है और स्टार्ट लोकेशन क्या है, 5। तो हम देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या 5 लोकेशन पे हमें सिटी, 5 लोकेशन से अगर हम इस स्ट्रिंग में सर्च करना शुरू करें तो हमें सिटी मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा, और लोकेशन हमें क्या बताई जाएगी, 5 ही बताई जाएगी, क्योंकि हमें 5th लोकेशन से स्टार्ट किया हमने स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग की 5th लोकेशन के ऊपर ही वो सिटी मौजूद था। तो इस केस में हमें जवाब मिला 5, बिकॉज द स्ट्रिंग दैट वी आर लुकिंग टू फाइंड इज एक्चुअली लोकेटेड एट लोकेशन 5, इट स्टार्ट्स एट लोकेशन 5। वेयर एज इन दिस केस हमने स्ट्रिंग का पहले ही स्लाइस अलग कर लिया, ये स्ट्रिंग कट हो गई, इसके अंदर से स्मार्ट का पार्ट हमने अलहदा कर लिया और स्ट्रिंग आई यानी 5 टू एंड तक जब हमने लिया तो स्ट्रिंग में रह ही सिर्फ सिटी गया, सी आई टी वाई। और जब सिटी के अंदर हमने सिटी फाइंड किया तो जाहिर है हमें जवाब 0 ही मिलेगा, क्योंकि सिटी के अंदर तो सिटी लोकेशन 0 पे ही एग्जिस्ट करता है, लिहाजा ये दोनों एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट नहीं है। अगरचे सिटी दोनों में मिल जाता है लेकिन एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, दूसरी मिसाल है एस डॉट फाइंड टी, राइट, कि एस में टी फाइंड कीजिए। अब एस में टी फाइंड अगर आप करते हैं तो एस में टी आपको मिल जाएगा, और कहां मिलेगा, लोकेशन 5 पे मिलेगा, और इसका जवाब आएगा 5। फिर 5 के ऊपर हमसे कहा जा रहा है कि हम स्लाइसिंग करें, कि अब नंबर्स के ऊपर स्लाइसिंग नहीं होती, स्ट्रिंग्स के ऊपर तो स्लाइसिंग होती है, स्ट्रिंग के तो मुख्तलिफ पार्ट्स आप अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक सादा नंबर है जो कि एस डॉट फाइंड टी जो है हमें हमें मालूम है, जैसे इस केस में हमें जवाब 5 मिला था, अगर हम यहाँ आई ना भी लिखें, हम फर्ज करें कि ये हटा देते हैं, ये लिखें तो भी हमें 5 ही मिलेगा। तो अब अगर मैं इसका स्लाइस लेने की कोशिश करूँ इस तरीके से कि आप इस नंबर 5 का स्लाइस बनाएं, तो 5 का स्लाइस नहीं बन सकता। सो हमें एक एरर मिलता है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, के यूं लिखने का मतलब यही है कि मैं ये लिख रहा हूँ 5 ऑफ, राइट, तो 5 स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग को सबस्क्रिप्ट किया जा सकता है, स्ट्रिंग के अंदर से इंडेक्सेस को और स्लाइसेस को अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन नंबर के अंदर से ऐसा काम नहीं किया जा सकता। सो वी रिसीव एन एरर इन दिस केस, राइट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
दिस। सो इस केस में हमसे क्या कहा गया है कि आप यही कीजिए जो आपने यहाँ किया था, एस आई ऑफ ऑनवर्ड्स डॉट फाइंड टी। अब इसमें हमें फाइंड टी में ज़ीरो यहाँ पे मिल, ज़ीरो लोकेशन पे, यानी हमने स्ट्रिंग का एक स्लाइस लिया और ये हमें सिटी रिटर्न करेगा। फाइव एंड ऑनवर्ड्स जो है स्मार्ट सिटी में से सिर्फ सिटी अलग कर देगा। डॉट फाइंड टी करेंगे तो टी भी सिटी ही है, सिटी में सिटी मिल जाएगा और इसका जवाब ज़ीरो आएगा, जैसा कि हम ये जवाब पहले यहाँ पे ले चुके हैं। तो ज़ीरो में जब हम आई ऐड करेंगे विच इज़ फाइव, द आंसर शुड बी फाइव, राइट। तो अपेरेंटली हम ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था जो हमें जवाब पाँच दे रहा था, वही जवाब हमें इस केस में भी मिल गया कि आपको लोकेशन ज़ीरो आनी थी, आपने उसमें आई इंडेक्स ऐड कर दिया तो जवाब पाँच हो गया। सो बज़ाहिर ये इक्विवेलेंट है, लेकिन एक्चुअली ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। ये सिर्फ उस सूरत में इक्विवेलेंट है अगर हमें टारगेट स्ट्रिंग सोर्स स्ट्रिंग में मिल जाए। फर्ज करें हम टी को बदल देते हैं, फर्ज करें टी सिटी नहीं है। अब हमें पता है ए बी सी स्मार्ट सिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। सो इस केस में अगर हम इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो जवाब है चार, क्योंकि इस सूरत में क्या होगा कि सिटी में ए बी सी नहीं मिलेगी। सो द आंसर विल बी माइनस वन, और माइनस वन में जब हम प्लस फाइव करेंगे तो जवाब आएगा फोर। सो ये इक्विवेलेंट, यानी ये एक्सप्रेशन उस सूरत में इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है जब हमारी टारगेट स्ट्रिंग हमारी सोर्स स्ट्रिंग में मौजूद होती है। लेकिन अगर ये टारगेट स्ट्रिंग सोर्स स्ट्रिंग में मौजूद नहीं होगी तो उस केस में जवाब माइनस वन आएगा, और उसमें अगर हम वो इंडेक्स ऐड भी कर दें तो जवाब उसके इक्विवेलेंट नहीं बनेगा। लिहाजा ये एक्सप्रेशन भी इन जनरल इक्विवेलेंट नहीं है, सिर्फ उस सूरत में इक्विवेलेंट होगा जब हमारी टारगेट स्ट्रिंग हमारी सोर्स स्ट्रिंग में मौजूद होगी। और जो लास्ट एक्सप्रेशन है दैट सेज दैट, इस केस में हम ये कह रहे हैं एस, पहले तो हम स्ट्रिंग का ये हिस्सा ले लें, राइट, which will give us city, and then dot find t of i and onwards. अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि जो टारगेट स्ट्रिंग है उसका भी एक स्लाइस ले रहे हैं कि हम टारगेट स्ट्रिंग भी जो है उसको भी i यानी उस इंडेक्स से शुरू करें। अब अगर हम इस अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डा के पहले हम फर्ज करें t को वापस उसी एक्सप्रेशन पे कर देते हैं जो हमने लिखा था सिटी, राइट। और अब अगर मैं यूं लिखूं, राइट, सो यू सी द ओवरऑल आंसर दैट वी हैव रिसीव्ड इज जीरो, राइट। सो बेसिकली अब यहां क्या हुआ, सिटी, राइट, डॉट फाइंड टी। अब टी में भी हमने आई रखा था फाइव, राइट। सो फाइव से जब हम शुरू करेंगे तो बेसिकली ये हमें जो स्ट्रिंग है हमारी वो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, राइट। जब हम स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा लेंगे आई से लेके ऑनवर्ड्स, राइट, आई इज फाइव, हमें पता है स्ट्रिंग जो टी है उसमें कैरेक्टर्स हैं ही चार, जीरो वन टू थ्री, सो इंडेक्स फाइव वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब हम फाइव से लेके एंड तक उसका स्लाइस लेंगे तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, और जब हम सिटी के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग फाइंड करेंगे तो वह हमें लोकेशन जीरो पे मिल जाएगी, राइट। सो दिस एक्सप्रेशन आल्सो डजंट रियली मेक एनी सेंस इन कनेक्शन टू दिस एक्सप्रेशन। तो इक्विवेलेंस यहां भी नहीं है विच गिव्स अस फाइव, मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस एक्सप्रेशन का जवाब भी मुख्तलिफ होगा। लिहाजा इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन इन जनरल इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट नहीं है। इस क्विज को शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि अब तक का सबसे मुश्किल क्विज है, आपको इस क्विज को देखने में समझने में थोड़ी दिक्कत का एहसास शायद हुआ होगा। अगर ऐसा है तो दिस इज़ परफेक्टली नॉर्मल, द डिफिकल्ट थिंग्स ऑब्वियसली टेक्स सम गेटिंग टू एब्जॉर्ब द स्टफ। सो इसको आप मल्टीपल टाइम्स देख के रिपीट करके मेरे ख्याल में इसके बेहतर मानी को समझ सकते हैं। एंड इफ़ यू स्टिल हैव प्रॉब्लम्स, इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस, you can post those questions in the forum or send me via email. I'll try to answer your questions. So this concludes our discussion on the strings. And obviously before that, we discussed simple expressions.
ये जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स थे किसी भी वेब पेज से पहले लिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट्स हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। अब ब्रीफ सी डिस्कशन होगी जिस डिस्कशन में हम एक सैम्पल वेब पेज लेके, एक सीड पेज लेके उसके अंदर से पहले लिंक को एक्सट्रैक्ट करेंगे।